नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आए हैं यहाँ पे लॉनी में एक शोरूम पे, जहाँ पे हमें भैया बताएंगे इस फ्रिज के बारे में। तो भैया से जानते हैं कुछ इस फ्रिज के बारे में। मेरा नाम मनीष त्यागी है और मैं गोदरेज के रेफ्रिजरेटर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जिस रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बता रहा हूँ वो 190 लीटर का रेफ्रिजरेटर्स है, जिसकी स्टोरेज वॉल्यूम जो होगी 180 लीटर्स होगी। ठीक है, देखिए लोगों का सवाल रहता है कि हम रेफ्रिजरेटर्स मार्केट के अंदर बहुत सारे आते हैं तो हम गोदरेज का ही रेफ्रिजरेटर्स क्यों खरीदें, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिएगा कि गोदरेज के रेफ्रिजरेटर्स का 190 लीटर का रेफ्रिजरेटर्स है, जिसके अंदर स्पेस जो है सबसे ज़्यादा अभी आपको मिलेगा। किसी भी आप 190 लीटर के रेफ्रिजरेटर्स को देखेंगे, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है बट उसकी चौड़ाई नहीं होती है। चौड़ाई हमारी मेन रेफ्रिजरेटर्स का जो स्पेस होता है वो चौड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डीफ्रोस्ट सिस्टम की। आप देखिएगा कि किसी भी रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो होता है वो डीफ्रोस्ट सिस्टम अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ उसका जो नुकसान होता है वो इसलिए कि जब एसी फ्रिज के अंदर जो है मॉइस्चर आता है, तो मॉइस्चर आने के कारण क्या होता है कि वो डीफ्रोस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स की कॉस्टिंग आपकी जेब से कॉस्टिंग जानी होती है। इसीलिए गोदरेज ने डिज़ाइन किया है डीफ्रोस्ट सिस्टम बाहर की तरफ। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होगी क्योंकि यहाँ पे कभी मॉइस्चर आने नहीं आएगा, जिसकी इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके चिलर ट्रे के अंदर। आप किसी भी कंपटीशन के अंदर आप देखिएगा कि आपको इतना चिलर स्पेस नहीं मिलेगा। इसके अंदर कंपनी कहती है कि 1 लीटर की 5 बोतल मैक्सिमम आप इसके अंदर रख सकते हैं। किसी भी ब्रांड के अंदर 1 लीटर की 5 बोतल आप नहीं रख सकते। उसके बाद टफन ग्लास इसमें जो है 120 kg तक का मैक्सिमम वेट आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इसके वेजिटेबल स्पेस देखिए, जो हमारी सबसे मेनली रिक्वायरमेंट होती है। होता क्या है कि हम लोगों के पास समय नहीं होता है जिसमें हम आज लोगों के पास समय की बहुत प्रॉब्लम है, जिसके लिए हर आदमी जो है 1 वीक की वेजिटेबल लेके अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखता है। तो उस के लिए हमें क्या होता है कि हमें जो है स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। किसी भी कंपटीशन के अंदर जो वेजिटेबल स्पेस है वो 16.5 लीटर का होता है। गोदरेज के अंदर जो वेजिटेबल स्पेस है वो 23.5 लीटर का होगा मैक्सिमम स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस। उसके बाद आप वेजिटेबल बास्केट का जो है ड्यूरेबिलिटी देखिएगा। इतनी अच्छी प्लास्टिक के अंदर किसी भी ये फ्लेक्सिबल है, टूटेगी नहीं। होता क्या है कि जब हम वेजिटेबल बहुत ज़्यादा रख देते हैं तो वो क्या होता है, क्रैक पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। ये पॉलीप्रोपिलीन बॉडी के साथ है, ये देखिएगा फ्लेक्सिबल है, ये टूटती नहीं है, तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आप ये देखिएगा, ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है। अभी सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर्स के अंदर बहुत कम कंपनियां ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर देती हैं, गोदरेज ने दिया हुआ है। इससे इस आपकी जो वेजिटेबल है वो काफ़ी समय तक फ्रेशनेस रहेगी। फिर देखिएगा डोर के अंदर, आप देखिएगा ये जो डोर का डिज़ाइन दिया हुआ है ये रफ एंड टफ वाली यूज़ की हुई है। अभी आप देखिएगा ज़्यादातर जो है ट्रांसपेरेंट सीट चल गई है। ट्रांसपेरेंट सीट के अंदर क्या होता है कि जब आप वेजिटेबल रखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो वो जो टूट जाती है, मैक्सिमम कंप्लेंट आती है इस तरह की कि जो ये चीज़ें हमारी टूट गई है। और जब हम परचेजिंग करते हैं तो कंपनी जो है काफ़ी कॉस्टिंग के साथ उसको देती है। इसके अंदर ये टूटने वाली शिकायत नहीं मिलेगी। ये आप देखिएगा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, फ्लेक्सिबल है, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो हर चीज़ को लेके गोदरेज के अंदर सेफ रहेगी। फिर आप देखिएगा कि गोदरेज ने यहाँ पे क्या है कि एक प्रोन सिस्टम दिया हुआ है, जो ये अंदर की तरफ रखा हुआ है। अभी हम इसको एक बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है तो इसलिए आपको नहीं दिखा सकते हैं। होता क्या है कि गोदरेज ने यहाँ पे 4 इंचेस लेग्स दिए हुए हैं और ये अप्रोन सिस्टम जो है फ्रंट की तरफ दिया हुआ है। अभी किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर आप देखेंगे सिंगल डोर के अंदर कि आप एक चौकी लगाते हैं, वो साइडों से स्पेस एक्स्ट्रा कवर लेती है, तो ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस जो है उसको बचाएगा। चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोन लगाएंगे आप, आगे से बेस आपका हो जाएगा, अच्छा लगेगा, फ्रिज की जो है सुंदरता बनी रहेगी और कभी भी आप इसको निकाल के आसानी से इसके नीचे सफाई कर सकते हैं। तीसरा आप देखिएगा जो 100% ग्रीन रेफ्रिजरेंट आप देख रहे हैं, किसी भी रेफ्रिजरेटर्स के अंदर 100% ग्रीन लिखा हुआ नहीं आता है। गोदरेज के अंदर 100% ग्रीन लिखा हुआ आएगा, जो इसका जो गैस है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंपनी ने यूज़ किया हुआ है, जिसका R600A नाम से वो गैस आता है, वो 100% ग्रीन होती है।
उससे क्या है कि आपका जो अंदर इसके जो अंदर जो चीज़ें रखी रहेंगी वो भी अच्छी रहेंगी, फ्रेशनेस रहेंगी लंबे समय तक, और कूलिंग जो है बहुत जल्दी होती है इसके अंदर, इसी इसका जो लाइट कंजप्शन है इसीलिए कम होगा। ठीक है, इनबिल्ट स्टेबलाइजर होगा इसके अंदर 140 to 160 and 260 वोल्टेज, स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होगी। बाकी लुक डिजाइनिंग आप देख रहे हैं, लुक डिजाइनिंग के लिए बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेटर, फ्लावर प्रिंट के अंदर सर। ड्यूरेबिलिटी के लिए इसकी 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी दी हुई है, पूरी 10 साल की वारंटी के साथ, 10 साल की कंप्रेसर कंप्रेसर वारंटी के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई कम बजट में और अच्छा फ्रिज ढूंढ रहा है तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, और अगर कोई मतलब क्वेश्चन हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो इन फ्यूचर मैं ऐसे ही वीडियोस लाता ही रहूँगा जिसके थ्रू मैं आपकी बाइंग डिसीजन में हेल्प कर सकूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।